संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं जेब्रा के इंक्लोजर की ओर। जेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है। वास्तव में जेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगर प्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर जेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। जेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी जेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई जेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है, तो दूसरे जेब्रा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिगजैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। मादा जेब्रा 3 वर्ष में और नर जेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। जेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम है। जेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेट कर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं। झुंड में चलते हुए नर जेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा जेब्रा चलती हैं। नर जेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।